हमारे आसपास या जीवन में कई बार अलग अलग तरह की इमरजेंसी आ जाती है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, कभी शॉर्ट सर्किट, ट्रेवल के दौरान किसी तरह की या कभी किसी दुर्घटना वगैरह हो जाने पर। ऐसी सिचुएशन में हमें अब तक अलग अलग परिस्थितियों के वक्त अलग अलग नंबर डायल करने पड़ते थे, जैसे एम्बुलेंस के लिए 108, पुलिस के लिए 100 नंबर और भी अन्य इमरजेंसी नंबर है। लेकिन अब भारत सरकार एक देश एक इमरजेंसी नंबर की सुविधा दे रही है। इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। दरअसल भारत सरकार ने एक देश एक इमरजेंसी नंबर योजना के तहत इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम नामक एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसके तहत डायल नंबर 100, 101 और 108 आदि सेवाओं को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत 112 कॉमन नंबर से जोड़ दिया गया है। यानी अब आपको इन सभी नंबरों को याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि अब ये सारी सुविधाएं केवल 112 नंबर डायल करने से ही मिल जाएंगी। सरकार ने यह सेवा एक भारत एक आपातकालीन नंबर 112 की थीम पर शुरू की है। महत्वपूर्ण ये भी है कि केंद्र सरकार ने इमरजेंसी नंबर 112 को पूरे देश में सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संख्या के रूप में विभिन्न आपात स्थितियों जैसे कि पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस इत्यादि के लिए अधिसूचित किया है, जिसमें कॉल, एसएमएस, ईमेल, पैनिक बटन और 112 इंडिया मोबाइल ऐप के माध्यम से सुलभ फील्ड संसाधनों का कंप्यूटर समर्थित प्रेषण है। केवल इतना ही नहीं, केंद्र सरकार द्वारा यह आपातकालीन सेवा अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू कर दी गई है। इससे पहले इमरजेंसी सेवाओं के लिए 20 से अधिक इमरजेंसी नंबर होते थे। इसके अलावा पहले की व्यवस्था में कई बार कुछ नंबरों के बिजी होने के कारण फोन मिल पाना संभव नहीं हो पाता था। ऐसे में अब लोगों को इन समस्याओं से भी निजात मिलेगी। नई सेवा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत 112 नंबर डायल करने पर लोगों को तुरंत आपातकालीन सहायता सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इस व्यवस्था से पहले 100 नंबर या 101 नंबर पर कॉल किए जाने पर ये कॉल पुलिस कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड किए जाते थे, फिर इस संदेश को वायरलेस सिस्टम से संबंधित पुलिस पोस्ट या पुलिस वाहन को फॉरवर्ड कर दिए जाते थे। लेकिन अब इस नई व्यवस्था के तहत जैसे ही कोई व्यक्ति 112 नंबर डायल करता है तो कॉल को तुरंत संबंधित विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इसे ही तुरंत कार्रवाई शुरू होगी। यानी बिना देरी के अब लोगों को राहत मिलेगी। इस नंबर से फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम या पुलिस से तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भारत के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 24 घंटे व 7 दिन कॉल की जा सकती है। बता दें कि आज के समय में अधिकांश निर्मित फोन हैंडसेट 112 नंबर के साथ प्री प्रोग्राम यानी पहले से संयोजित होते हैं, क्योंकि आपातकालीन संख्या सिंगल की दबाने के साथ डायल की जाती है। ट्राई ने मई 2015 में भारत में एक आपातकालीन नंबर के उद्देश्य के लिए इस नंबर को आवंटित किया था। 112 एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त एकल आपातकालीन संख्या है। वैसे आप पहले से चले आ रहे इमरजेंसी नंबरों पर भी प्रयोग कर सकते हैं। जब आपको अचानक अग्निशमन, एक एम्बुलेंस या पुलिस की आवश्यकता होती है तो आप 112 या 100 पर भी कॉल कर सकते हैं। यदि कोई तत्कालिकता नहीं है तो आप स्थानीय अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सालय या स्थानीय पुलिस थाने को भी सूचित कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBNS।